देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। योगी सरकार 25 दिसंबर को लोकभवन में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू कर उसे मूर्त रूप दिया। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान की आधारशिला रखी। इसके साथ ही मेट्रो रेल के संचालन में उनके कार्यकाल में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों के प्रति कितना प्रतिबद्ध है ये जानना है तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का कृतित्व एक अनुकरणीय उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। एक पत्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक राजनेता के रूप में, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, एक मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में, अनेक रूप अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस देश ने और इस दुनिया ने देखे हैं। लेकिन अटल अपने नाम के अनुरूप ही अटल रहे और यही कारण है कि अटल जी के प्रति सम्मान का यह भाव हर ओर इस रूप में देखने को मिलता रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि संसद में भी और उससे पहले भी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में कार्य करने और सार्वजनिक जीवन के रूप में भी उनके सानिध्य में मुझे एक अवसर, लंबा अवसर प्राप्त हुआ। जब सबसे पहले तो मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उन्होंने एक राजनीति के अंदर, सामाजिक कार्य के अंदर, प्रधानमंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में जो आदर्श जीवन जिया है उसको याद करके सार्वजनिक जीवन में हम सब उनके से जो हमने सीखा है उस प्रकार से कुछ कर सकें इसका प्रयास करेंगे। उनको बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी द्वितीय वर्षगांठ है। अटल जी सर्वग्राही थे, सर्वव्याप्तमान थे, सभी राजनीतिक दलों में उनका सम्मान था। निश्चित रूप में आज जो उनकी पहली उनकी श्रद्धांजलि के एक वर्ष हुए हैं तो उनको सब लोगों ने मिलकर याद किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित थे, ऐसे समय उनकी स्मृति को हम लोग प्रणाम करते हैं। आज प्रथम पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देश में जिस ढंग से उन्होंने काम किया, डेवलपमेंट के मामले में, सबको साथ लेकर चलने मामले में, और प्रदेश और लखनऊ से उनका विशेषकर लगाव था, लखनऊ के सभी कार्यकर्ता और प्रदेश और देश के सभी कार्यकर्ता आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके जो बताए गए रास्ते थे, उनके जो कार्य थे, उनको पूरा करना ही हम सबकी असली श्रद्धांजलि होगी।